charges. Q point charges of charge values capital Q and small q, Q point charges of charge values capital Q and small q are placed at distances small x and small x by two respectively. Small x and small x by two respectively. Small x and small x by two respectively. For the per charge of charge value. Calculate the magnitude and nature of charge capital Q. Charge small q is zero. देखिएगा कैसे करते हैं. इन्होंने बोला टू पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज. चार्ज वैल्यूज दो चार्जेस हैं. पॉइंट चार्जेस मतलब उनका रेडियस ना के बराबर है. ठीक है, तो उनकी चार्ज वैल्यूज है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस स्मॉल एक्स एंड स्मॉल एक्स बाय 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4q. यानी कि एक चार्ज दे रखा है जिसकी चार्ज वैल्यू है 4q. मैंने कहा कि यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं. पॉइंट ए ले लिया और यहां पर जो चार्ज है उसकी चार्ज की वैल्यू मैंने मान ली 4q. वो बोलते हैं कि टू पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज कैपिटल q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस स्मॉल x एंड स्मॉल x बाय 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4q. All charges be in the same straight line. मतलब तीनों charges एक same straight line पर रखूँगा मैं. तो यहाँ से 4q से पहला जो charge है capital Q वो x distance पर है. तो मैंने ये कहा कि चलिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने एक charge ले लिया capital Q. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो distance है वो हो गया small x. 4q से एक चार्ज तो कैपिटल Q है जो कि x डिस्टेंस पर है. 4q से दूसरा चार्ज है स्मॉल q वो x by 2 डिस्टेंस पर है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि कैपिटल Q x डिस्टेंस पर है और स्मॉल q x by 2 डिस्टेंस पर है. किससे? इस थर्ड चार्ज 4q से अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. तो हमने क्या करा, यहां पर तीसरा चार्ज ले लिया कैपिटल C. मतलब कैपिटल C एक पॉइंट है. इस पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है स्मॉल q. इसका a से डिस्टेंस कितना हो गया x by 2. हमको ये सब कुछ गिवन है. उसके बाद वो बोलते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q. जो
जो चार्ज कैपिटल क्यू है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज के लिए था फोर क्यू वाला बीच में रखते हैं और क्यू से एक्स यहां और वहां से एक्स पर ये भी चलेगा ऐसे भी करवा सकते हैं पर क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन में ये रखा है ये रखा है और चार्जेस भी मिलता सब पढ़ा नहीं है छोटा तो तो तीनों के तीनों सेम साइड लाइन में नहीं वो सही कह रहा है असल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पर और ये तो तीन चार्जेस वाले क्वेश्चन है बहुत आते हैं मेरे विकास दिखाई दे रहा हूं तो ये तीन चार्जेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं किसी किसी में क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह देते हैं कि तीन चार्जेस को रखना है किसी किसी में बोल देते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल में रखना है ठीक है तो वो सेम स्ट्रेट लाइन है मतलब हम स्ट्रेट लाइन की मेंशन करते हैं उसके बाद देखिएगा such that the net force experienced by the charge small q is zero मतलब ये जो चार्ज स्मॉल q है इस पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी ठीक है अच्छा अब मैं ये कहूंगा कि इस पर लगने वाली फोर्स तो इस पर लगने वाली फोर्स का मतलब ये जो चार्ज है इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स इस पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है एक तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है फोर क्यू एक ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है ठीक है और कोई चौथा चौथा चार्ज तो है नहीं इसमें तो इस चार्ज पर एक तो ये लगाएगा फोर्स और एक ये लगाएगा फोर्स इसके इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन क्या है कि जितनी फोर्स ये लगाए उतनी ही फोर्स ये लगाए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो ठीक है तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ a यहां पर एक काम करते हैं इन्होंने पहली बात ना एक चीज है अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो वो वैल्यू मेंशन करते उसकी वो उसको माइनस फोर क्यू बोलते हैं या इसको माइनस क्यू बोलते हैं या इसको माइनस फोर कुछ भी नहीं बोला है पॉजिटिव मान कर चलिए हम कहते हैं कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो मैंने इस फोर्स को कह दिया कि ये कैसे करेगा रिपेल करेगा इसको और भाई सेम लाइक चार्जेस है रिपेल करेंगे तो ये इधर लगा एफ ए मतलब ए की वजह से लगने वाली जो फोर्स है वो एफ ए किस डायरेक्शन में होगी ऐसे बी जो इस पर फोर्स लगाएगा वो ये होगी एफ बी ये समझ में आ गया अच्छा तो फोर्स ऑन विलन क्लियर है इतना क्वेश्चन क्लियर है यस सर ठीक है उसके बाद हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू 4q ये जो 4q है ये स्मॉल q पर कितनी फोर्स लगाएगा हम एक ठंडा जानते हैं सिंपल कूलम्स लॉ होता है 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 / r स्क्वायर अभी तक बस इतना ही करवाया अभी तक इतना ही करवाया एक ये फार्मूला है दो पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच में फोर्स का फार्मूला होता है 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 / r स्क्वायर r क्या होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस ठीक है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x / 2 तो मैं इसको बोल दूंगा इस फोर्स को जो ये वाला 4q वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है बिकॉज दे आर सिमिलर तो ये इसको रिपेल करेगा ठीक है ऐसे ओके एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इनटू स्मॉल q 4q इनटू स्मॉल q अपॉन r कितना है x / 2 का होल स्क्वायर ठीक है अच्छा अब ये क्या हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू स्क्वायर और ये हो गया डिनोमिनेटर में x स्क्वायर अपॉन 4 मैं जानता हूं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एफ ए मेरे पास हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 हो गया 16 क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अभी तो इतना कर दिया उसके बाद हम कहेंगे now force on charge small q due to b or due to capital q force on charge small q due to capital q due to capital q ye ho gaya F B बोल दिया इसको हमने F B is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught अब charges क्या क्या हैं एक चार्ज है capital Q एक चार्ज है small q तो capital Q into small q capital Q into
और क्यू अपॉन इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना टोटल एक्स है ये एक्स बाई टू ये भी एक्स बाई टू ठीक है तो एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ये हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन फोर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तभी मैंने ये बोला है कि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे वैल्यू निकालनी है कैपिटल क्यू की सच दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज स्मॉल क्यू ये चार्ज स्मॉल क्यू पर जो नेट फोर्स लगे वो कितनी हो जाए जीरो हो जाए यानी कि जितनी फोर्स इधर लग रही है इतनी ही फोर्स इधर लगेगी तो ये जहां है वहीं रुका रहेगा ये मूव नहीं करेगा बताओ माइनस फोर क्यू कैपिटल फोर क्यू माइनस फोर क्यू फोर क्यू माइनस फोर क्यू इस वजह से क्या होगा इक्वल ना फोर्सिट लेंगे अगर है ना ठीक है वो भी ठीक है हमसे यहाँ पर इन्होंने ना क्या पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है तो फोर क्यू का अब देखिएगा और द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू और द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भाई दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए एफ ए कितना आया हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे कैपिटल क्यू की वैल्यू ही निकालनी थी तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो गई फोर क्यू अरे ए पे जो फोर्स लग रहा था ना वो था ना फोर जो ए पे फोर्स लग रहा था वही था ना फोर हाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ए पर नहीं ये हमारा जो फोर्स आया ना कैपिटल क्यू ये कैपिटल क्यू की वैल्यू होती है देखिए ये जो ए है ए पर तो फोर क्यू रखा हुआ है चार्ज ए पॉइंट पर तीन पॉइंट्स है ए बी और सी कॉल आ रही तो ए पॉइंट पर ए पॉइंट पर तो चार्ज रखा हुआ है फोर क्यू बी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू और सी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है स्मॉल वो बोल रहे हैं कि मुझे कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाए इस पर लगने वाला ये जो स्मॉल क्यू है इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए तो मैं कहूंगा इस पर कौन लगाएगा फोर्स एक तो ये लगाएगा फोर्स और एक ये लगाएगा फोर्स तो ये फोर्स किधर लगाएगा उधर की तरफ ये फोर्स किधर लगाएगा इधर की तरफ क्योंकि सारे पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है ना तो ये एफ ए और एफ बी दोनों अगर बराबर हो अगर मान लो देखो सर ये तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा b minus a is equal to c हाँ वो भी वही है तरीका b minus a is equal चलिए अगला जो है अगला इसमें theoretical portion है ये है compare electrostatic and gravitational forces हमें electrostatic force को gravitational forces को compare कर ठीक है मैं note नहीं करवा रहा हूँ ये theoretical portion है मैं समझा रहा हूँ उसके बाद अगला जो portion है वो note करवा देखिए जब कोई भी वो चीजें जब उनको कंपेयर करने के लिए बोला जाता है तो दो काम करेंगे हम इसमें हम ये बताएंगे कि उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में सिमिलैरिटीज जो है वो पांच है डिसिमिलैरिटीज तीन पहले पांच सिमिलैरिटीज देखते हैं पहला है बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ नोट नहीं करना है ऐसे ही समझ में आ जाएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है ये मिटा रहा हूँ
करना है both both forces obey inverse square law. मिलन एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ. हम ये कहेंगे कि दोनों फोर्सेस मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में सिमिलैरिटीज देखूंगा सबसे पहले. तो जो इसकी सिमिलैरिटीज है वो पहला है कि ये बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. मतलब अगर मैं ये देख रहा हूँ ना यहाँ पर जो हमारा कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught one upon four pi epsilon naught u one u two one upon four pi epsilon naught u one q two upon r square एक तो ये. और अगर मैं gravitational वाले की याद करूँ तो आप देखिए कि capital g upon m two upon r square. तो दोनों में ही आप ये देखेंगे कि force r square के inversely proportional है. तो पहली तो similarity ये हो गई electrostatic force में और gravitational force. दूसरी similarity both forces are proportional to product of masses or product of charges. तो अगर मैं electrostatic force की पहला तो ये कि both are inversely proportional to the square of distance between them. both में inverse क्या proportional? inversely proportional. inversely proportional to the square of distance between them. both forces मतलब कौन कौन सी? electrostatic force और gravitational force. सही है? नहीं मैंने आपने एक स्टेटमेंट बोली थी बोथ ओवर इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं उसको. ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो सेकंड है कि बोथ आर प्रोपोर्शनल. बोथ आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses. both are proportional to product of masses or product of charges. तो आप ये देखिएगा ये जो electrostatic force है Fe बोल दीजिए, gravitational force को Fg बोल दीजिए, ये क्या है? product of charges के directly proportional है. ठीक है, और ये जो है gravitational force ये product of masses के directly proportional है. ठीक है, चलिए जी उसके बाद third देखते हैं. third है both are central forces, that is they act along the line joining the centers of the two bodies. dono hi central forces hain. both are central forces. that is they act along, both are central forces, that is they act along the line joining their centers. They act along the line joining their centers. This is characteristics. ये similarities हैं. हम ये देख रहे हैं कि electrostatic force में और gravitational force में क्या similarities हैं और क्या उनमें differences हैं. तो पांच similarities हैं, पांच में से एक similarity तो ये हो गई. ये बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहला तो ये हो गया. दूसरा है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर प्रोडक्ट ऑफ मासेस और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. और तीसरा है बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस. सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो यहां पर मैं एक मास रखता था m1 और यहां पर मैं एक मास रखता था m2. तो जो फोर्सेस है वो इनके ना सेंटर की तरफ सेंटर तक जाते हैं. हम वैसे भी जानते हैं कि जो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अर्थ पर भी लगता है ना. और अर्थ के केस में ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोलते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. उन दो बॉडीज में से अगर एक बॉडी अर्थ हो जाती है तो ग्रेविटेशन को ही हम ग्रेविटी बोलते हैं. समझ गए? तो अगर कोई भी बॉडी है उसको अगर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जब चार्जेस हैं हमारे पास, मान लीजिए एक चार्ज ये है q1 और एक चार्ज ये है q2. तो अभी तक मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो मैं पॉइंट चार्जेस के लिए कर रहा हूँ. तो अगर पॉइंट चार्जेस ना होकर इनका भी कुछ रेडियस हो तो ये सेंटर की तरफ चलेगा. मतलब फिर जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स लिया गया. ठीक है, तो ये थर्ड सिमिलैरिटी है. फोर्थ है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस.
कंजर्वेटिव फोर्सेस आप जानते होंगे, कंजर्वेटिव तो करते आ रहे हैं, मैं जाने कब से। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक। फिफ्थ है बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, दोनों ही फोर्सेस ऐसी हैं कि अगर वैक्यूम पे भी चले जाओगे, अगर हम वैक्यूम पे भी चले जाएंगे तो भी ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी पॉइंट को ऊपर से ड्रॉप करा तो वो ड्रॉप नहीं होगा, पॉइंट ड्रॉप होगा, ग्रेविटी उस पर लगेगी लगे। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में भी रख दिया तो भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये तो सिमिलैरिटीज हुई। सिमिलैरिटीज के बाद में फिर देखते हैं डिसिमिलैरिटीज, तीन डिसिमिलैरिटीज हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, अर्थ कभी भी किसी चीज को ना रिपल नहीं करती, वो अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लाइक चार्जेस होगा तो रिपल करेगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्टिव, ठीक है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं कॉइन लेकर हवा में उसको ड्रॉप करूं तो भी वो नीचे की तरफ गिरेगा, अर्थ की तरफ। अगर मैं स्विमिंग पूल में चला जाऊं और उसमें पानी के अंदर भी कॉइन को ड्रॉप करूं तो भी वो तैरेगा नहीं, वो भी नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। वो अलग चीज है, उसकी डेंसिटी वेंसिटी का वो कंपेरिजन तो अलग चीज है, लेकिन वो जाएगा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। मतलब वो अट्रैक्शन एक ही साइड होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। फिर हम ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। कैसे, हमने ये बताया जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 1/4πε0 है तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ही क्या है कि ये डिपेंड करता है मीडियम पर। एप्सिलॉन नॉट जीरो का मतलब क्या है कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब एयर में, हवा में या वैक्यूम में जो कूलम्स लॉ है वो ऐसे होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि वाटर में क्या होगा, अगर दो चार्जेस को वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा 1/4πε0W³Q1Q2/r² आप समझ गए होंगे εW का मतलब परमिटिविटी और वाटर, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि कौन कितना परमिट कर रहा है फोर्स को, कि दोनों के बीच में कितनी फोर्स होगी, तो ये डिपेंड करेगा मीडियम। तो दो हो गए इसमें डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दूसरा डिफरेंस हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है इसके फॉर्मूले में भी ये है, टर्म है, ठीक है। जबकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई टर्म नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है। तो पहले से पता चल गया दोनों ने काम करा था। चलिए थर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो है, हमने ये बताया थर्ड ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ी सी वीक है, तो ये डिफरेंस हो। तो तीन डिफरेंसेस क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उतना ज्यादा इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। नोट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर करवाया भी होगा शायद स्कूल में तो करवा रहे होंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जितना करवाना उतना नोट कर देना इसको।
Superposition principle. The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, ठीक है, सुन लीजिए पहले उसके बाद नोट करवा दो. When a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces experienced by individual charges. क्या होता है? बहुत सारे charges हैं. Space में, हवा में बहुत सारे charges हैं. मान लीजिए 10 charges हैं. ठीक है? और ये कह दिया जाए कि ये जो 10 charges हैं, ये 11वें charge पर कितना force लगा रहे हैं? तो हम क्या करेंगे? हर एक charge के लिए individually force निकालेंगे by using Coulomb's law. और वो निकालने के बाद में सबको सम कर देंगे. समझ गए? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 है. अगर हमसे ये कहा जाए कि ये है Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5 और ये Q6 और ये बीच में बैठा हुआ है चार्ज Q, तो हमसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए इन सब चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है. तो Q1 की वजह से इस पर फोर्स लगा हुआ, Q6 की वजह से, Q5 की वजह से, Q4 की वजह से, Q3 और Q2 सबकी वजह से मैं इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगा अलग अलग बाय यूजिंग कूलम्स लॉ और फिर सबको ऐड कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि एक दूसरे पर सभी की फोर्सेस सुपरपोज कर जाते हैं. सुपरपोज का मतलब सब सबके सब ऐड अप हो जाते हैं. Q1 Q2 पर भी लगा होता है एक दूसरे में, एक दूसरे की पड़ेगी. वही मैं बता रहा हूँ कि जो एक दूसरे पर एक दूसरे की पड़ेंगी ना फोर्सेज जो पड़ेंगी उनको उनको नेगलेक्ट करते हुए सिर्फ ये मानते हैं कि जैसे Q1 और Q2 तो उस टाइम पर हम ये मान लेते हैं कि बाकी के सारे चार्जेस एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, वो ऐसा हो जाता है कि इस पर जितनी लग रही है उतनी जितनी फोर्स ये उस पर रिपेलिंग या अट्रैक्टिंग वाली लगा रहा है उतनी ये भी इस पर लगा रहा है. तो वो एक दूसरे को नलीफाई करते चल रहे. प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली गलत नहीं है. प्रैक्टिकली गलत नहीं है, कैन बी प्रूव. बट सर ये तो कंडीशन के ऊपर है ना कि अगर हम बात सबको नेगलेक्ट करते हैं. नहीं नहीं, वो लिया ही इस वजह से. जैसे मान लीजिए हमें निकालना था क्यू के रिस्पेक्ट में ना, तो उनमें आपस में रिपल्शन कितनी फर्क पड़ता. नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन क्या है कि हम ये कहेंगे कि मान लो जितने भी चार्जेस हैं मैं निकालना चाहता हूँ कि सिर्फ आप क्यू पर बताइए क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो अगर क्यू पर लगाना है तो देखो इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ हो, इन दोनों के बीच में भी कुछ हो, लेकिन मैं सिर्फ क्यू पर निकालना चाह रहा हूँ. तो मैं ये कहूँगा कि Q1 की वजह से क्यू पर कोई फोर्स लगेगा, ऐसे Q6 की वजह से, ऐसे Q4 की वजह से, Q3, Q2, Q1 सबकी वजह से लगेगा. तो सबकी वजह से इंडिविजुअली निकाल के और आप उसको ऐड कर दो. आपका सवाल वो ये है कि Q1 इस पर लगा रहा है तो हो सकता है Q1 पर भी कोई फोर्स लगा रहा हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि Q1 का इम्पैक्ट इस पर कुछ कम पड़ जाए बाकी चार्जेस की वजह से. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि Q1 का इम्पैक्ट वो बराबर ही रहेगा. Q1 का इम्पैक्ट जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या खींच लेगा तो उसके इंपैक्ट को रिड्यूस करेगा, वो नहीं. समझ गए? ठीक है, और ये तो यही पूछना चाह रहे थे. हां हां, ठीक है. कैपिटल की प्रेजेंट ही ना, दोबारा बताओ. जो कैपिटल की प्रेजेंट ना, मतलब अगर कैपिटल को प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो आपस में जो चार्जेस जो फोर्स लगेंगे वो सर Q1 पे पूछेंगे. अगर सिर्फ पूछेंगे Q1 पर कितना है तो फिर क्या करेंगे, Q6 का निकालेंगे, Q6 और Q1 के बीच में फिर Q2 और Q1 according to this principle the total force on a given charge according to this principle is the vector sum of the forces is the vector sum of the forces exerted on it into all other charges
चार्जेस। दैट इज F1 वेक्टर equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus dot 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 F1n vector F1n vector। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि F12 वेक्टर में किसे बोलता हूँ, ये फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, F13 वेक्टर फर्स्ट चार्ज पर थर्ड चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, फर्स्ट चार्ज पर फोर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स और फर्स्ट चार्ज पर nth चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। उस सारे फोर्सेस को निकाला, सबको ऐड करा, तो फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स आ गया मेरे पास। दिस इज नॉट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ये देखूंगा इसमें कि तो ओरिजिन से अगर मैं क्यू वन को फाइंड कर दूंगा तो इसका डिस्टेंस वेक्टर आ जाएगा। डिस्टेंस वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर। मैंने बोल दिया इसको आर वन वेक्टर। इसी तरीके से मैंने ये कहा कि स्पेस में कहीं पर एक दूसरा चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर ये चार्ज है क्यू टू, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा, ये हो गया आर वेक्टर। इसी तरीके से एक स्पेस में तीसरा चार्ज है, इसको मैंने ओरिजिन से जॉइन करा, इसका डिस्टेंस वेक्टर हो गया r3 वेक्टर। अब मैं ये चाहता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ तीन है सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां पर जो है उसमें सिर्फ टोटल तीन चार्जेस हैं, तो एक तो q2 इस पर फिर आ गया, तो q2 की वजह से q1 पर कोई फोर्स लगेगा, q3 की वजह से q1 पर कोई फोर्स लगेगा। मैं नेट फोर्स निकालना चाह रहा हूं q1 पर, तो हमने इसमें क्या करा, इसको जॉइन कर दिया, ऐसे इसको ऐसे जॉइन करा, ये हो गया q2 और q1, q2 और q1 को जॉइन कर दिया, तो मैं इसका डिस्टेंस वेक्टर बोल दूंगा r12 वेक्टर, ठीक है, r12 वेक्टर। q3 और q1 को जॉइन कर दो, हम इसको बोल देंगे r13 वेक्टर, क्योंकि ये किसके बीच में है, ये 3 और 1 के बीच में है, ये 2 और 1 के बीच में r12 वेक्टर। अब आगे देखिएगा, ये तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मानकर चल रहे हैं, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब इसका अगर सिमिलर, अगर ये सिमिलर चार्जेस है तो ये इसको रिपेल करेगा, जब ये रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी इसी डायरेक्शन में, ऐसे ये फोर्स क्या हो जाएगी, टू की वजह से वन पर लगने वाली फोर्स एफ वन टू वेक्टर, समझ गए होंगे, ठीक है, टू की वजह से वन पर लगने वाली फोर्स एफ वन टू वेक्टर कहलाती है, थ्री की वजह से वन पर लगने वाली फोर्स ये क्या कहलाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ये कहलाएगी वेक्टर। और फिर यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं क्या करूंगा, ये वाली जो लाइन है इस वाले वेक्टर के हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, और इससे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये जो चार्ज q1 है यहां से मैं इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये
डायरेक्शन है, ये मेरी F1 वेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन और आप कई बुक्स में देखेंगे, कई बुक्स में अलग अलग दे रखा है आपको, कई जगह आपको दिखाई देगा वो आर टू वन लिख देते हैं, कई जगह वो लिख देते हैं आर वन, ठीक है। तो अब अगर मैं टू से वन वाले को आर वन टू ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी थ्री से वन वाले को आर वन टू ही लिखा, अगर यहाँ मैं टू वन लेता तो फिर इसको भी मैं थ्री वन लेता, मतलब नोटेशन जो मेरे को लेनी है वो सेम लेनी। अगर आर वन थ्री ले रहे हो तो आर वन थ्री, आर वन टू, आर वन फोर ऐसे लेते चले जाओ, उल्टा ले रहे हो तो उल्टा ले रहे हो, लेकिन फोर्स के लिए स्टैंडर्ड है। एफ वन टू का मतलब ये है कि टू की वजह से वन पड़ोगे, एफ वन थ्री का मतलब थ्री की वजह से वन पड़ोगे। तो ये जब भी कभी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आएगा तो एटलीस्ट ये डायग्राम जरूर उसमें बनाएंगे। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन में और मैथमेटिकल डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इसमें एफ वन टू वेक्टर की बात करूं, तो ये हो गया एफ वन वेक्टर इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री प्लस एफ वन फोर। तो अगर मैं एफ वन टू वेक्टर की बात करूं किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आर वन टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन क्या होगी अलोंग दिस लाइन, डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन, क्योंकि डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन क्या है आर वन टू वेक्टर। तो इसको आर वन टू वेक्टर ना लिखकर आर वन टू कैप लिखेंगे, समझ गए। आर वन टू कैप का मतलब क्या है कि दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी मैं डायरेक्शन लगाता हूँ तो मैं सिर्फ उसके ऊपर कैप लगाऊंगा, मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ गए ठीक। अच्छा एफ वन टू वेक्टर ये हो गया, कोई भी वेक्टर है ना उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो वेक्टर क्या होता है अब एक चीज समझिएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एमएजी लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को एमएजी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेक्टर होता क्या है और स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है, वेक्टर ये होता है जहां पर एक मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्या हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और नीचे है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कर दिया, केवल और केवल डायरेक्शन बची। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर यूज करता हूँ। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो आप ये देखिए एक ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें मेंशन है, और नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल डायरेक्शन बची। और उसको लिखने का तरीका होता है आर वन टू कैप बस। अगर मान लीजिए हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसको आर वन टू कैप, बताइए जी ये चीज तो क्लियर है। मैंने यहाँ पर आर वन टू कैप सिर्फ और सिर्फ इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब अ वेक्टर whose magnitude is unity, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है इसके पास, बाकी मैग्नीट्यूड के नाम पर वन है, मैग्नीट्यूड के नाम पर वन है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी और वन उसका मैग्नीट्यूड है, तो उससे कोई फर्क नहीं, वन को कहीं भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज को आगे देखेंगे, इसलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ से देखो ये हो गया मेरे पास
have one two vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon जैसे कि r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो r12 क्या हो जाएगा r1 minus r2 r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये जो कैप है इसका मतलब क्या है r12 कैप r12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर r12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा इसको हम लिखेंगे r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ गए यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि सिर्फ मॉडुलस लगा दीजिए ठीक है अच्छा तो इधर तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था और इधर आ गया मैग्नीट्यूड को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्यूब आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 multiplied by r1 minus r2 vector upon r1 vector minus r2 vector a magnitude का q कितना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया ऐसे ही जैसे f1 2 का निकाला फिर f1 3 फिर f1 4 का निकाल के रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही फिर f1 n का थोड़ा सा डेरिवेशन है इसका हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स का ये 2 मार्क्स का आएगा डेरिवेशन और 2 मार्क्स के बाद में वही लिखते के ही लिखते हां बार-बार बड़ा बोर्ड पर या सारे नोट लिखने की बजाय के लिख सकते वो चलता ठीक है तो वो मैं बाद में कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं उसको आगे कंटिन्यू और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को ठीक है तो वो जो कैटेगरी है वो ध्यान रखना 1 2 3 5 ये कैटेगरी है मार्क्स की इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा पहला वाला चैप्टर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन था वीडियो भेज दो उसको क्या वीडियो भेज दो अरे ठीक ले लो चलो पूरे चैप्टर के नोट्स आपके लिए हां जी कौन सा होता है अरे ये बीच में फोन आएगा यार क्या वो पूछ सकता है फोन आएगा बीच में मार भाई क्यों सब तो बोल देते ये भी पूरा डायग्राम खींचना है ना मास्टर ला में तभी तो बैड बॉय बुलाते हैं बैड बॉय सब पता है चलिए मिलन फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं